तो आज का हमारा टॉपिक नॉर्मलिटी, जिसको नॉर्मलता भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नॉर्मलिटी होती क्या है और हम इसको कैसे निकालते हैं। आपके बुक में दिया होगा ना कि n बाई 10 की सांद्रता का एक मानक विलयन बनाइए, n बाई 100 की बनाइए। तो वो कैसे निकालते हैं, पूरी तरह से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी की जो परिभाषा है वो क्या होती है, एक बात हमेशा याद रखिए, नॉर्मलिटी हो मोलारिटी हो, ये क्या है, एक विधि है, एक मेथड है, जिससे आप क्या करते हो, कोई सोल्यूशन अगर बनाना होता है तो उसकी सांद्रता, उसके कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हो, मतलब उसकी सॉल्यूट मतलब विलेय की मात्रा को निकालते हो। ठीक है, ये एक विधि है, ये हमेशा याद रखना। तो इसकी जो परिभाषा क्या है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब एक समांगी मिश्रण है जिसमें उपस्थित, याद रखो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, यह दो चीजों से बना है, एक विलेय और विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जिसको ज्यादा मात्रा में जो सॉल्यूशन में मौजूद हो, और सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में मौजूद होती है। ठीक, सॉल्यूट को विलेय भी कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन में मौजूद उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को, ठीक है, ग्राम तुल्यांक की भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट में लिखना ही क्या है, नॉर्मलिटी कहा जाता है। क्या, सॉल्यूशन की मात्रा को ग्राम तुल्यांक की भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट में लिखना ही नॉर्मलिटी कहा जाता है। तो इसका जो मात्रक भी है क्या होगा, इसका मात्रक है जिसमें इसको नापा जाता है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एल। एल क्या है कि एल यहाँ पर लीटर है, मतलब एक लीटर वॉल्यूम जो इसका आयतन है वो एक लीटर स्टैंडर्ड माना जाता है, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट को एन से भी लिखा जाता है। देखे होगे ना, लिखा होता है बुक में एन बाई 10। तो यहाँ पर एन है क्या, एन का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मतलब एन बाई 10 का मतलब यहाँ पर होगा जो भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है उसका दसवां हिस्सा जो सांद्रता में पढ़ना चाहिए। चलो उससे पहले ये देखते हैं इसका जो मात्रक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो ग्राम तुल्यांक की भार प्रति लीटर, है ना, ग्राम तुल्यांक की भार प्रति लीटर, ये इसकी क्या है, ये सांद्रता है बताने का। अब क्योंकि ग्राम तुल्यांक की भार क्या होता है ये भी जान लो, ग्राम तुल्यांक की भार अगर हम किसी आयन या अणु के तुल्यांक की भार को ग्राम में लिख देते हैं तो वही ग्राम तुल्यांक की भार है। ठीक है, या ऐसे कह लो तुल्यांक की भार को ग्राम में लिखना ही ग्राम तुल्यांक की भार है। तो तुल्यांक की भार होता क्या है, है ना, मेन टॉपिक। तो तुल्यांक की भार पर ही ये पूरा गया है। तो तुल्यांक की भार असल में किसी आयन या अणु मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट और उस पर मौजूद चार्ज, है ना, ये अनुपात को कहा जाता है, उनकी रेशियो को कहा जाता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला भी बनता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज। अब हमने कहा आयन या मॉलिक्यूल, आयन होगा तो यहाँ पे लिख देना आयन वेट, आयनिक वेट, है ना। आयनिक वेट क्या होगा, अरे उस एटम का जो भी एटम है, मान लो वो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होगा, 23। तो इसका आयनिक वेट क्या होगा, 23। सेम यहाँ पर एटॉमिक वेट लिख सकते हो, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज का मतलब ये, इस पर जब कोई चार्ज होगा सोडियम पर तभी ना ये आयन कहा जाएगा, है कि नहीं। अब क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, एटम पर चार्ज नहीं दिखा जाता है, एटम का सिंबल सिर्फ ऐसे लिख दोगे, इस पर चार्ज नहीं लिख पाओगे, इसीलिए यहाँ पर सही इसकी परिभाषा क्या है, आयनिक, ये आयन है। ठीक है, तुल्यांक की भार आयन का या मॉलिक्यूल्स का निकाला जाता है। मॉलिक्यूल्स का क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है, है ना, ये इस पर प्लस चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है कि नहीं, क्योंकि आयन आप आपस में जुड़ गए तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो इनका भी क्या होगा, हम तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। मान लो सोडियम का सिर्फ एक आयन का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सोडियम का क्योंकि हमको एटॉमिक वेट पता है 23। अब इस पर चार्ज कितना है, डिवाइड बाय 1, एक चार्ज है तो एक से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा इसका, 23। क्या होगा ये 23, क्या आया, ये इक्विवेलेंट वेट आया, है ना, इक्विवेलेंट वेट लगभग इसका 23 ही है। अब 23 है तो 23 इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में अगर हम लिख देते कैसे, या 23 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है तो ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, इसको ग्राम में लिख दिए। तो अब अगर हमें कह दिया जाए कि हमें एक सिस्टम एन बाई 10 या एन बाई 10
हाँ, एन बाई टेन की सांद्रता का हमें सोडियम का कोई सोल्यूशन बनाना है। सिर्फ सोडियम का नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड क्योंकि मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं आयन फ्री फॉर्म में तो मौजूद होते नहीं है, इसीलिए मान लो एन बाई टेन कर दिया है। एन बाई टेन का मतलब क्या है कि तुल्यांक की भार का दसवां हिस्सा, मतलब 23/10। अब 23/10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.3 ग्राम, मतलब उससे 10 गुना कम। अब कितने में मिलाएंगे, अगर यहां पर कोई वॉल्यूम ना दिया हो तो 1 लीटर में मिलाएंगे। एक बात हमेशा याद रखो, 1 लीटर टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लीटर टोटल वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि हम 2.3 ग्राम हम तौल लिया और 1 लीटर पानी में उसको मिला दिए। कहने का मतलब पूरा वॉल्यूम, जो पूरा आयतन होना चाहिए वो 1 लीटर होना चाहिए। कहने का क्या मतलब, चलो करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हम एक फ्लास्क लिए, फ्लास्क में हम जानते हैं मान लो 1 लीटर में बनाना है, तो 1 लीटर का फ्लास्क लिए, हम जानते हैं कि उस पर एक लाइन बनी होगी, एक पतली सी लाइन है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फ्लास्क बना हुआ उस पर एक पतली सी लाइन खींची गई है ना, जो हमें ये बताती है कि अगर हम उस लाइन तक पानी भर दें तो उस पानी का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वो 1 लीटर है। तो यहाँ पर मान लो पानी ले या कोई भी केमिकल जिसमें हम सोडियम को मिलाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2.3 ग्राम सोडियम को पहले डाल लेंगे। क्या, 2.3 ग्राम सोडियम को पहले हम डाल लेंगे, पहले किसको डालेंगे, सोडियम को डालेंगे। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूट है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर धीरे धीरे जो भी पानी हो या मिट्टी का तेल हो, जो भी जो हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम भरेंगे, भरते भरते भरते। याद रखो झटके से पूरा नहीं भर देना है, थोड़ा सा ही भरो। अब थोड़ी सी जगह जो खाली है उसको ड्रॉप की सहायता से भरो। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा उसकी वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, सॉरी जो भी सॉल्यूट हम पहले लिए रहेंगे वो धीरे धीरे सॉल्वेंट में घुलता जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी मात्रा ज्यादा होगी हम निकालेंगे तो सॉल्यूट की भी मात्रा कम हो जाएगी ना, तो हमको पता ही कैसे चलेगा कि इसमें कितनी ठीक ठीक कितनी मात्रा में सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। इसीलिए हमेशा आधा भरने के बाद थोड़ा सा जब बाकी रहे तो उसको ड्रॉप की सहायता से भरना चाहिए, ताकि हमको ठीक 1 लीटर वॉल्यूम में मिल जाए। अब यहाँ पर सोचो सॉल्वेंट की मात्रा अभी 1 लीटर नहीं हुई, हो सकता है अगर हम 1 लीटर में 10 ml के आसपास क्या लिए हैं, सॉल्यूट लिए हैं, तो सॉल्वेंट कितना होगा, लगभग 980, सॉरी 990 ml पूरा। अब इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये क्या है, विलेय, और ये विलायक की मात्रा। अब विलेय और विलायक की मात्रा जब मिला दोगे तो कितना होगा, 1000। ये क्या है, ये टोटल सॉल्यूशन है। ठीक उसी तरह यहां पर जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा आपको सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड दे देगा। ठीक है, जैसे एन बाई टेन का सांद्रता का अगर आप विलयन बना रहे हो तो 50 ml बनाना है, 100 ml में बनाना है, तो आपको पता रहेगा कि हर बार हमको 1 लीटर में नहीं बनाना है, मतलब 1000 ml में नहीं बनाना है, 100 ml में बनाना है। 100 ml में बनाना हो तो कैसे, तब आप क्या करोगे, 2.3 ग्राम सोडियम को आप डाल दोगे। अब 100 ml का फ्लास्क लोगे, 100 ml के फ्लास्क में भी क्या होता है, लाइनिंग तो बनी होगी, मार्क तो लगा होगा, तो वहां तक पहले आप तब धीरे 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 भरोगे। ये हमेशा याद रखो किस तरह से आपको बनाना होगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो हमने तुल्यांक की भार जैसे कि सोडियम आयन का निकाल दिया, ठीक, तो आयन का तुल्यांक की भार क्या हुआ, 2.3 ग्राम, ये 10 गुना कम है। वैसे आयन का जो तुल्यांक की भार आया 23 आया, उसको ग्राम में लिख दिए तो वो ग्राम तुल्यांक की भार हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड बना है ना, तो सोडियम क्लोराइड का हम तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट एसिड और बेस तीनों के लिए कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए जिससे हमें आसानी होती है क्या, तुल्यांक की भार निकालने में। सॉल्ट के लिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव आयन कितने हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन मतलब आगे वाला है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव आयन को पीछे लिखते हैं हमेशा। आगे वाले पर देखो, हम सोडियम पर एक चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज हमें तुरंत पता चल गया, तो नंबर ऑफ चार्ज सिर्फ एक है सोडियम का और क्लोराइड का दोनों का, क्योंकि ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आयन नहीं है। अब क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 23 या 23
23 है सोडियम का एटॉमिक मास, याद रखना एटॉमिक मास है 23। अब क्लोरीन का कितना होगा 35 या 35.5, वैसे 35.5 लिया जाता है लेकिन आप 35 भी ले सकते हो। ठीक, तो इनको जब ऐड कर दोगे तो क्या आएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कहो या मास कहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं 1। अब इनको जब आप ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या कहोगे, तुल्यांकी भार कहोगे, और ग्राम में लिख देते हो तो ग्राम तुल्यांकी भार। इस तरह से आप क्या करोगे तुल्यांकी भार आसानी से निकाल सकते हो। एक बात याद रखना, जैसे कि हमने बताया सॉल्ट एसिड और बेस में कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सॉल्ट है तो आप देखोगे कि पॉजिटिव आयन कितने हैं, एसिड है तो आप देखोगे एच प्लस आयन कितने हैं, और बेस है तो आप देखोगे कि ओ एच आयन कितने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम HCl का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। एच का एक होता है प्लस क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना आएगा लगभग 36.5। ये क्या हो गया तुल्यांकी भार है, और तुल्यांकी भार आ गया तो इसको ग्राम में लिख दो, ग्राम तुल्यांकी भार हो गया, है कि नहीं। तो एच प्लस, एच पर एक चार्ज है, इस तरह से हम कर लेंगे। लेकिन अगर H2SO4 हो तो तब कैसे करोगे, H2SO4 ये भी तो एसिड है, इस पर देखो H प्लस आयन कितने हैं टोटल, तो एक H पर एक आयन होता है, मतलब एक H प्लस आयन है, लेकिन यहाँ पर H कितने हैं 2 हैं, तो इस पर कितने H प्लस आयन, सॉरी कितना चार्ज बनेगा, इस पर 2 चार्ज बनेगा। कैसे, क्योंकि एक H पर एक चार्ज है तो 2 H पर 2 चार्ज है। ठीक, तो इनका जो नंबर ऑफ चार्ज लिखा जाएगा वो 2 लिखा जाएगा। और एक कंडीशन और आती है, मान लो कुछ इस तरह से लिखा गया, वैसे लिखा तो जल्दी नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लो लिखा आ गया तो आगे 2 लिखने का मतलब ये जो पूरा अणु है, जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये 2 बार है ना, मतलब पूरा फॉर्मूला 2 बार है, मतलब H2SO4 H2SO4। तो यहाँ पर ये H प्लस चार्ज कैसे जोड़ोगे, आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन की 2 जोड़ियां हैं, इसका मतलब है, तो मतलब 2 × 2 = 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो सब पे चार्ज कितना होगा, एक हाइड्रोजन पर एक चार्ज है तो 4 हाइड्रोजन पर 4 चार्ज होगा। इस तरह से आप करके चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हो। और क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका एक लेक्चर हम बना पहले भी बना चुके हैं, तो आप मॉलिक्यूलर वेट का अगर लेक्चर देख लो तो आपको ज्यादा आसानी होगी निकालने में। तो इस तरह से आप रखकर तुल्यांकी भार निकाल लोगे और उसी को ग्राम में लिख दो, ग्राम तुल्यांकी भार हो जाएगा। और हाँ, फॉर्मूले पर आपको मान लो दे दिया जाए N/kg सांद्रता का 250 ml में सॉल्यूशन बनाइए, तो उसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला, वो भी आप देख लो कैसे है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ये दिया होगा एक फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा 1 लीटर वॉल्यूम क्या आयतन माना जाता है इसका स्नेडर, इसीलिए यहाँ पर 1000 लिखा जाता है। ई यहाँ पर क्या है, ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, जो आप इस तरह से निकाल कर रखोगे। ठीक है, मान लो हमने HCl का इक्विवेलेंट वेट निकाला तो 36.5 आया। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि N/10 की सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 250 ml में सोल्यूशन बनाइए। याद रखो क्या कहा गया, N/10, N/10 क्या है, N/10 सांद्रता का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 250 ml में सोल्यूशन बनाना है। तो N/10 का मतलब एक, जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट का 10वां हिस्सा ही डालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा HCl का 36.5, तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, 10वां हिस्सा मतलब 36.5 का 10वां हिस्सा ही हमको इस सॉल्यूशन में डालना है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट अगर निकाल लें तो क्या आएगा आंसर, अगर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं तो आंसर कितना आएगा 3.65। अब ग्राम में लिख दें, 10वां हिस्सा ये होगा। तो अगर हम डायरेक्ट इतना करके हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा बस फार्मूला इतना बनेगा N into V / 1000। लेकिन इसको अगर हम सिंपल करके, अब अभी इतना झमेला नहीं है, थोड़ा सिंपल करके डाल दें तो N/10 को अगर हम सिंपल करते हैं तो 0.1 आता है। क्यों, क्योंकि N की जगह पर अगर 1 हम मान लेते हैं तो अगर इसको काटेंगे, कैसे काटोगे, इस तरह से, है ना, 10 से 1 कटेगा नहीं, तो 10 मिनट लगाकर
क्या होता है, जीरो बढ़ाया जाता है, तो 10 का पहाड़ा अगर 10 एक बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, एक बार पढ़ने से 10 आ जाएगा, तो इस तरह से ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0.1। तो पॉइंट के आगे क्या होता है, जीरो लगा देते हैं तो 0.1, इसको सिंपल कर लोगे। इस तरह से सिंपल करने के बाद एन की जगह पर क्या रखोगे, 0.1 ई की जगह पर जो लाके बाहर रख लो। हमने क्या बोला, अगर डायरेक्ट आप जो लाके बाहर का इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, है कि नहीं, इतना झमेला ई और एन नहीं रखना है, तब आप डायरेक्ट एन रखो। इंटू ई बी क्या क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बनाना है, 250 ml, तो इंटू 250 ml आप लिखो। एक बार फिर से देखो, थोड़ा गंदा हो गया ये, है कि नहीं, अगर आप क्या करते हो इक्विवेलेंट वेट को डायरेक्ट 10 गुना n/10 कर दिया था, है कि नहीं, n/10 की कॉन्सेंट्रेशन का 250 ml में इसका सॉल्यूशन बनाना है HCl का, तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकालोगे आपको कितना मिलाना होगा, तो क्या था फॉर्मूला, n इंटू ई इंटू वी, है ना। तो या तो आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाइड करके लिखो, 0.1 इंटू इक्विवेलेंट वेट 36.5 या इंटू वी। अगर मान लो हम इनको डायरेक्ट पहले ही कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट लिखते हैं तो आ जाएगा 3.65, है ना। तो इतना पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, आयतन है, 250 ml बनाना था तो 250 ml, इतना से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये लिखने के बाद इनका जो डिवाइड होता है वो किससे किया जाता है, 1000, इसीलिए ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा होगा। इस तरह से भी इसका फार्मूला लिख सकते हो, या इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इस तरह से भी इसका फार्मूला लिख सकते हो, है कि नहीं। इनको करने के बाद आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर मान लो अगर हम 250 ml लिखते हैं वॉल्यूम, तो आपको तुरंत ठीक ठीक पता चल जाएगा कि 250 ml वॉल्यूम में आपको कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, या 100 ml में आपको कितना मिलाना है, जो भी आप वॉल्यूम रखोगे उस पर आपको तुरंत निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आपको कितना ग्राम तुल्यांकी की भार उसका निकालना है वेट करके, और उसको कितने में मिलाना है। तो ये रहा हमारा नॉर्मेलिटी का पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, एक बात और, प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इसको भी और सिंपल करने की जरूरत है, या इस वीडियो में कोई सुधार की जरूरत है, यदि सुधार की जरूरत है तो जरूर बताएं। धन्यवाद।